दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीमा सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक तो वो कमेंट्स बहुत सारे देती हैं, बहुत सारा थम्सअप मुझे देती हैं, और उसके बाद वो उन्होंने वो वीडियोस भी देख लिए जो अभी मैंने पब्लिक नहीं किए थे, अनलिस्टेड थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके अलावा पूजा तिवारी जी, श्रीम जी, पूर्वा जी, यश जी, सरिता जी, दानिश जी, नैन साहिब जी, नव्या जी, मुकेश जी, संध्या मिश्रा जी, दीपाली यादव जी, पूनम सिंह जी, अंतिम बाला जी, सीमा सोनी जी, सीमा यादव जी, कंचन लता जी, उपदीप कौर जी, प्रांजल जी, ममता कुमारी जी, आप सभी का आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। आज हमें शुरुआत करनी है रस निधि से, ठीक है। रस निधि, इनका नाम पृथ्वी सिंह था, ये पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। रस निधि, इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के जमींदार थे, ठीक है। इनका संबंध 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है, मतलब ये संबत 1717 तक जीवित थे। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख दिए। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि किसने कहीं कहीं बिहारी के वाक्य तक उठा के रख दिए हैं, तो वो हैं रस निधि जी। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथ प्रसाद छत्रापुर ने किया है। अरिल और मांझों का संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने के और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। इनकी अगर आप देखिए तो ये लाइन थोड़ी महत्वपूर्ण है। रस निधि ने अपनी कविताओं में फारसी कविता का भाव भरने और थोड़ा चतुराई दिखाने का प्रयत्न किया है। फारसी की आशिकी की कविता का शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं, ठीक है। जो फारसी की आशिकी की कविता होते हैं उसके भी शब्द इन्होंने कहीं कहीं अच्छे परिमाण में, अच्छी मात्रा में रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुँचता, ठीक है। इतना रखा है कि जिससे जो साहित्यिक शिष्टता होती है उसको भी नुकसान पहुंचता है, पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है, ठीक है। कुछ दोहे नीचे दिए जा रहे हैं। अद्भुत गति यही प्रेम की, बैनन कही न जाए, दरस भूख लागे द्रगन, भूख ही देत भगाए, ले न मजनू गौर ढिंग, कौ लैला का नाम, दर दरवंत को नेक ते, लेन हो देहु विश्राम, चतुर चितेरे तुम सभी, लिखत न ही ठहराए, कलश छुअत कर उंगरी, कटी कटाक्षन जाए, मन मयंद छवि मंद छके, तोर जंजीर भगात, हिय के झीने तारसों, सहजे बांध जाए। अब बात करते हैं महाराज विश्वनाथ सिंह की। ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। संबत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पे रहे थे, मतलब वहाँ के राजा थे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्यावसनी और तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्ध हस्त थे। ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों ने रचे हैं, पर इनकी रचनाएं अपनी भी कम नहीं है। इनकी बनाई गई पुस्तकों के नाम नीचे दिए हैं जिससे विदित होगा कि इन्होंने कितने विषयों पर लिखा है ना, इससे ये पता चलेगा कि इन्होंने कितने विषयों पर लिखा है। चलिए देखते हैं। अब इनके बारे में कम से कम आपको इनकी ज़्यादातर देख लीजिएगा, याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा रचनाएं। अष्टायाम आन्हिक आनंद रघुनंदन नाटक, ये तो आपको पता ही है। उत्तम काव्य प्रकाश गीता रघुनंदन, सती का रामायण, गीता रघुनंदन प्रमाणी, सर्व संग्रह,
कबीर बीजक टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेद, वेदांत पंचक सिद्ध, पंचक शतिका, गीतावली, पूर्वार्ध, धर्वाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोधनी, पाखंड खंडिका, आदिमंगल, वसंत चौतीसी, चौरासी रमैनी, ककहरा, सप्त, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। देखिए 32 दी हुई हैं, 32 में आपको सब तो नहीं याद रहेंगे, इसको दो चार बार जब भी आप किताब पलटिए तो देख लिया करिए, क्योंकि अभी तक यहाँ से सवाल कम पूछे जाते हैं। कोशिश करिए कि पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको याद करिए। कई बार ऐसा होता है कि अंदर इंटरनल चीज़ों के चक्कर में हम ऊपर ही ऊपर भी गलत कर बैठते हैं। यद्यपि ये रामू उपासक थी, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की वाणी का भी आदर करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। परंपरा से प्रसिद्ध है मतलब परंपरा के रूप में ये माना जाता है। ककहरा शब्द रमैनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानता रामचरित संबंधी है। ठीक है, जो इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं वो प्रधानता रामचरित संबंधी हैं, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। कबीर बीजक टीका, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म पर घटाई है, ये चीज़ यहाँ विशेष हो गई। ठीक है, ये कुछ अलग चीज़ हो गई, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इन्होंने कबीर बीजक की टीका तो लिखी है, लेकिन उसमें इन्होंने टीका में निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म राम का निरूपण किया। ब्रज भाषा में नाटक पहले पहर इन्होंने लिखा था, इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है, और ये पूछा भी बहुत जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रज भाषा गद्य में है, अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय है, तो इनसे यही ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक अथवा उपदेशात्मक है, भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं। भाइन भृत्यन विष्णु सो रैयत, भानु सो शत्रुन काल स्वभावे, शत्रु बलि सो बचे कर बुद्धि, और शस्त्रा में धर्म की रीति चलावे, जीतन को करे ते केते उपाय, और दीर्घ दृष्टि सबै फल पावे, भाकत है विश्वनाथ धरुवे, नृप सो कबहु नहीं राज गवावे, बाजी गज सोर रथ सुतर, कतार जेते प्यादे एण वारे के, सभी सरदार के कुंवर छवि ले जे रसीले, राज वंश बारे सूर अनियारे, अति प्यारे सरकार के, केते जाति बारे केते केते देश बारे, जीव स्वान सिंह आदि सैल बारे, जे शिकार के डंका की दुकार है, वे सवार सब एक बार, राजे वार पार का आकार कौशल कुमार के, उठो कुमार दो प्राण प्यारे, हिम ऋतु प्रात पाए सब, मिटेंगे नवसर परसरे पुकर तारे, जगमन मह निक्षो हर हर सीय तिय विचरण हेत, दिवस मनियारो विश्वनाथ यह कौतुक निरखऊँ, रवि मनि दसऊँ दिशिन उजियारो, करी जो करी में कैलास लियो कसिके, अब नाक निचकोरत है दड़तालन बीस भुजा, छहरा के झुको धानु को झकझोरत है, तिल एक हिले न पुहमी रिस पीस के दातन तोरत है, मन में यह ठीक भयो हमरे मद का को मैस न मोरत है। चलिए इसके बाद बात करते हैं भक्तवर नागरी दास जी। यद्यपि इस नाम के कई भक्त कवि ब्रज में हो गए हैं, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगर नरेश महाराज महाराज सावंत सिंह जी हैं, जिनका जन्म पौष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े सूरवीर
13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। संवत 1804 में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली के ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोध सिंह की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और महरटों की सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर गृह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हुई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपने उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया। अब यहाँ ये देखिए, हमने कितने राजा रजवाड़ों को देखा, कितने ऐसे बड़ी पराक्रमी लोगों को देखा, जो अंततः इन सब को जब इसमें बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के विरक्त हो गए। ज़्यादातर यही होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की अति करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, तो वो अति कहीं ना कहीं विरक्ति का भाव पैदा करती है। इसीलिए हमेशा हर चीज़ को सामंजस्य के रूप में चलना चाहिए। यदि हम यही सोच लें कि हम सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सिर्फ पढ़ते रहेंगे और इसकी भी इतने अच्छे काम की भी अति कर देंगे, तो 1-2 दिन बाद हम पता है कई दिन नहीं पढ़ने लायक बचेंगे, है ना। चलिए, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबै कलह एक राज में, राज कलह को मूल। कहाँ भयो नृप हु भये, ढोवत जग बेकार, लेत न सुख हरि भक्तन भक्ति को, सकल सुखन को सार। मैं अपने मन मूड़ते डरत हरट हो हाय, वृंदावन की ओर ते मत कबहूँ फिर जाए। ठीक है, वृंदावन पहुंचने पर वहां के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा ये व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने नागरी दास, नागरी शब्द श्री राधा जी के लिए आता है, नाम सुना, तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। ठीक है, जब इन्होंने वहाँ के वृंदावन के भक्तों ने इनका नाम कृष्णगढ़ के राजा के रूप में सुना, तब तो वो थोड़े देर उदासीन रहे, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम नागरी दास बताया तो इनका वहाँ पे बड़ा स्वागत हुआ। सुन व्यवहारिक नाम को ठाड़े दूर उदास, दौर मिले हरि भरी नैन सुनी नाम नागरी दास, एक मिलत भुजन भरी दौर दौर। अब यहाँ पे इनका असली नाम भी याद रखिएगा, एक टेरी बुलावे और ठोर। वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्होंने इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार पहुँचे। ठीक, रात को जब जमुना किनारे लौट कर आए तब वहाँ कोई ना बेड़ा ना था। वृंदावन का वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि ये जमुना जी में कूद पड़े और तैर कर वृंदावन आए। समझ आ रहा है नागरी दास जी की आपने कहानी सुनी, मतलब एक रात की यमुना पार करके वृंदावन के दूसरी ओर चले गए थे। शाम को जब लौटे तो वहाँ नाव कोई थी नहीं, तो इन्हें एक रात ना बर्दाश्त हुई और ये कहाँ यमुना जी में कूद गए और तैर के वृंदावन वापस आ गए। ठीक है, देखो श्री वृंदा विभिन्न पार, नहीं नाव नहीं कुछ और दाव, रहे बाल अगलग की लगे लाज, इस चित्त माही करके विचार। आगे नहीं दिया है। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बड़ी ठड़ी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए। इनका कविता काल 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में अश्विन शुक्ल 10 को अब राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह को प्रतिष्ठित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ये कृष्ण भक्त और ब्रज लीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। विरक्ति भाव से पहले ये काफ़ी कुछ साहित्य की रचना कर चुके थे।
कृष्णगढ़ में इनकी लिखी एक लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं जिनके ये नाम हैं। 73 पुस्तकों के नाम याद रखना तो संभव नहीं है, लेकिन आप दो चार बार इनके नाम पढ़िएगा जरूर नागरी दास जी के नाम से। हमेशा याद मत करिए इनको, जब आप हर बार रिवीजन के टाइम एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो ऐसे ही आपको याद होंगी काफ़ी कुछ। श्रृंगार सार, गोपी, प्रेम प्रकाश, मैं यहाँ सन नहीं पढ़ रही हूँ, संबत नहीं पढ़ रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। पद प्रसंगमाला, ब्रज बैकुंठ तुला, ब्रज सार, भोर लीला, प्रात रसमंजरी, विहार चंद्रिका, भोजनांदक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधान आगमन दोहन, आनंद लग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, गोपी बहन विलास, रास रस लता, नैन रूप रस, शीत सागर, इश्क चमन, मजलिस मंडल, अरिल्लाष्टक, इनकी अष्टक करके ज़्यादा हैं, सदा की मांच, वर्षा ऋतु की मांच। देखिए अब ये मांच शब्द आपको याद कर सकते हैं क्योंकि मांच अभी नहीं मिला है कहीं। होरी की मांच, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्त, प्रिया जन्मोत्सव कवित्त, सांझी के कवित्त, रास के कवित्त, चांदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, गोवर्धन धारण के कवित्त, होरी के कवित्त, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्त मग दीपिका, तीर्थानंद फाग विहार, बाल विनोद, वन विनोद, सुजानानंद, भक्तिसार, देह दशा, वैराग्य बल्ली, रसिक रत्नावली, कलि वैराग्य बल्ली, अरिल्य पच्चीसी, छूटक विधि, परायण विधि प्रकाश, नख सिख छूटक कवित्त, चचरियाँ रेखता, मनोरथ मंजरी, रामचरितमाला, पद प्रबोधमाला, जुगल भक्ति विनोद, रसानुक्रम के दोहे, शरद की मांच, सांची फूल बीनन संवाद, बसंत वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग खेलन समेतानुसार के, फाग खेलन समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज विलास, गोविंद परिचयी, वन जन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला, पद मुक्त मंजा मुक्तावली। इसके अतिरिक्त वैन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की दो अप्राप्त पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने से पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र हैं, पूरी पूरी पुस्तकें नहीं हैं। जिन्हें एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगी, ठीक है। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम ना समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझने चाहिए, इसलिए आप इनको सबको याद भी मत करिए। देख लीजिएगा एक आध बार, अब पूछा तो कहीं से भी जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत कम चांसेस है। इसमें बहुतों को तो 5-5, 10-10 या 25-25 पद्य मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएँ इसी रंग की, भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरी दास जी की रचनाएं अधिकांश पिष्ट पेषण सी प्रतीत होंगी, मतलब उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, खाना पूर्ति ही लगेंगी नागरी दास जी की, तभी आपके कोर्स में भी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से चलिए, उन्हीं चीज़ों को आप पसंद करिए तो वहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के विचारों के आधार पर प्रश्न और इसी से ज़्यादा पूछा जाता है। पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे, फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य का आसिकी और सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, अरिल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया। भाषा भी सरस और चलती है, विशेषता पदों की, कवित्तों की भाषा में यह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने देख लीजिए, वैराग्य सागर से हैं ये नमूने। काहे कोरे नाना मत सुने तू पुरातन के, ते ही कहा तेरी मूढ़ गुड़ मति पंग की, वेद की विवादनी को पावेगो न पार कहूँ,
छाणि देहु आस सब दान ज्ञान गंग की, और सिद्ध सोधो सब नागर ना सिद्ध कछु, मान लेहु मेरी कही वातरा सुढंग की, जाड़ ब्रज बोरे कोरे मन को रंगाई ले रे, वृंदा रेणु वृंदावन रेणु रची और गौर श्याम रंग की। अरिल देख लीजिए, अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सो, तिनके ग्रह नहीं रहे संत सम्मान सो, उनकी संगति भूल न कबहू जाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुन इस दिन गाइए। अब पद देख लीजिए, जो मेरे तन होते दोए, मैं काहू ते कछ नहीं कहतो, मैं तो कछ कहतो नहीं कोए, एक जो तन हरि विमुखन के संग, रहतो देश विदेश विविधा भांति के जग, सुख दुखता नहीं भक्तिन लवलेश, एक जो तन सत्संग रंग रंग कर रहतो अति सुखपूर, जन्म सफल कर ले तो ब्रज बस जहां ब्रज जीवन मूर, द्वै तन बिन द्वै काज न हो है, आयु ते छिन छिन छीछे, ना करि दास एक तन ते अब कहो कहाँ करि लीजिए। बताइए, दो शरीर मांग रहे हैं कि एक से हम लोक के कार्य करेंगे, एक से भक्ति के। मनोरथ मंजरी से देखिए, चरण छिदत काटे निते श्रावण रुदि सुधि नाय, पूछे थे हो फिर हो भटू खग मृग तरु बनमाय, कबे झुकत मो और को एह मत मदगज चाल, गर्बाही दे दीनों दो प्रिया नवन नंदलाल। अब इनके बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। जोधराज, ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे, इन्होंने नीमगढ़ वर्तमान में जो नीम राणा अलवर है के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध पर हमीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र वीर गाथा काल की 56 पद्धति से पर वर्णित किया गया है। हम्मीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे, इन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में से हैं। जोधराज के ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है, जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप हा का प्रयोग किया है। हमीर रासों की ये याद रखिएगा, ठीक है, हमीर रासों में जोधराज जी ने ही जो विभक्ति थी उसके प्राचीन रूप हा का प्रयोग किया था। हमीर रासों की कविता बड़ी ओजस्विनी है, घटनाओं के वर्णन ठीक ठीक हैं और विस्तार के साथ हुए हैं। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है, जैसे महिमा मंगोल का अपनी प्रियसी वैश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। ये कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हम्मीर हाट लिखा उसमें ये घटना ज्यों की त्यों ली गई है। ग्वाल कवि के हम्मीर हाट में भी बहुत संभव है ये घटना ली गई होगी। प्राचीन काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए, उसी रूप में उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत हैं। कब हट करे अलाव दी रणथंभर गण आए, कबे शेख सरने रहे बहुरयो महिमा साई, सूर सोच मन में करो पदवी लहो न फेर, जो हट छाड़ो राव तुम उतना लजे अजमेरी। अब इसके बाद में ये सारे पद दिए हुए हैं, इनको आप अपने से देखिएगा, बहुत सारे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बक्सी हंसराज, ये श्रीवास्तव कायस्थ थे, इनका जन्म
संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बक्सी हर कुसुम जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंस राजी पन्ना नरेश श्री अमान सिंह के दरबारियों में से थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे। इन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्यपूर्ण रचनाएं की। इनके चार ग्रंथ पाए जाते हैं बक्सी हर्ष राज के, स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, बारहमासा। किसके हैं ये? बक्सी हंस राज के, ठीक है। इसमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है, दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं, शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं है। स्नेह सागर 9 तरंगों में प्राप्त समाप्त हुआ है, जिसमें कृष्ण की विविध लीलाएं 7 छंद में वर्णन की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है, प्रतिमता का लेस नहीं है। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य भाव प्रधानता संस्कृत की पदावली का नहीं है, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल बीच में कुछ बना हुआ शब्द पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, पाद पूरित्य अर्थ में नहीं है, मतलब पृष्ठ पोषण के लिए नहीं है। सारांश यह है कि इनकी भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है, कल्पना भाव विधान में पूर्णता प्रकट है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं, भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। इसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए गए हैं। दमकत दीपत देह दामनी सी चमकत चंचल नैना, घूंघट विच खेलत खंजन से उड़ी उड़ी दीठ लगे ना। सॉरी, देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा पूछी जा सकती हैं पंक्तियां। लटकत ललित पीठ पर चोटी बीच बीच सुवन समारी, देखो ताही मेर सो आवत मनह भुजंगन कारी। इतते चली राधिका गौरी सौपन अपनी गैया, उतते अतुर आनंद आनंद सो आए कुंवर कन्हैया। कहाँ से भौहें हस कुंवर राधिका कान कुंवर की सो बोली, अंग अंग उमंग भरे आनंद सो दरकत छिन छिन चोली। अब इसके बाद में आप देख लीजिएगा, इनके आगे के पद हम देखेंगे। जनक राज किशोरी शरण, ये अयोध्या के एक बैरागी थे, संवत 1797 में वर्धमान थे। इन्होंने भक्ति ज्ञान और रामचरित संबंधी बहुत सी कविताएं की हैं, कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणता अच्छी है। इनकी बनाई हुई पुस्तकें ये हैं, आंदोलन हास्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सागर चंद्रिका, सिद्धांत चौतीसी, बारह खड़ी, ललित श्रृंगार दीपक, कवितावली, जानकी शरण भरण, सीता राम सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, राम रस तरंगिणी, आत्मसंबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर करुणा भरण। उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने सीताराम श्रृंगार के ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही कव्य भाषा की कविता की है। इनके एक पद नीचे दिया गया है। फूले कुसुम द्रुम विविधा रंग सुगंधा की चंपा चाप, गूंजत मधुक मधुक मत्ता नाना रंग रज अंग आप। शीरो सुगंधा सुबंध बात मोहन कहत बहंत, परसत अनंत उद्योत ही अभिलाष कामिनी कंत। अलबेली अली, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा बंसी अली के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त इनका कोई व्रत ज्ञात नहीं है। अनुमान है से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सब कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे। इसका प्रमाण इनका लिखा श्री स्रोत है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 313 बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे
कुछ पद उद्धृत किए गए हैं। लाल तेरे लोभी लोलुप नैन केह रस छकन छके हो छबीले मानत नायन चैन नींद ने नैन घुरी घुरी आवत अति घोरी रही कछु नैन अल बेली अति रस के रसिया कत बिरसत ये बैन। आगे देखिएगा हम चाचा हित हरिवंश चाचा हित वृंदावन की बात कर लेते हैं। चाचा हित वृंदावन दास ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। ये राधा वल्लभीय गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के गुरु भ्राता होने के कारण गोसाई जी का की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये महाराज नागरी दास के भाई बहादुर सिंह के आश्रम में रहते थे पर राजकुल के इसमें विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास के 1,25,000 पद बनाने की जनश्रुति है वैसे ही इनके 1,00,000 पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। किसकी? हित वृंदावन दास की, जिसमें लगभग 20,000 के लगभग पद तो इनके मिले। इन्होंने लक्षिक अष्टायाम समय प्रबंध छवि लीला आदि असंख्य प्रसंगों पर विशद वर्णन किया है। अब यहाँ पर ये शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा ये छी करके कौन सी लीलाएं हैं, मतलब वर्ड नहीं क्लियर है। का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छतपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना की भी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। दो पद नीचे दिए गए हैं। मिठ बोलनी नवल मनियारी वोहें गोल गुरूर हैं या के नैन चुटीले भारी चूरी लख मुखते कहें घूंघट में मुस्काती शीश मन बादरी ओढ़ते दुर्दर्शत एहीं भाती चूरो बड़ो है मोल को नगर न गाहक होए मो फेरी खाली पड़ी आई सब घर टोए प्रीतम तुम मो त्रगन बसत हो कहाँ भरोसे हवे पूछत हो के चतुराई करी जो हसत हो लीजे परख स्वरूप आपनो पुत्रिन में तुम ही तो लसत हो वृंदावन हित रूप रसिक तुम कुंज लड़ावन ही हो लसत हो। चलिए इनको भी देख लेते हैं। गिरधर कविराय इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं है, नाम से ये भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका जन्म संवत 1770 दिया है जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अनपढ़ लोग भी दो चार चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्याभाव का कथन। इसमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भारी भाषा की सजावट है न उपमा उपेक्षा आदि का चमत्कार। कथन की पुष्टि मात्र के लिए अलंकार दृष्टि से नहीं, दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों पर विचार करके ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार नहीं। वृंद कवि और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का भी ध्यान नहीं रखा है। घर गृहस्थी साधारण व्यवहार लोक व्यवहार आदि के बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। दो कुंडलियां दी जाती हैं। साई बेटा बाप के बिगड़े भयो भयो अकाज हरना कुश अरु कंस को गयो दुहन को राज बाप बेटा के बिगड़े
दुश्मन दावागीर भय महिमा मंडल सिकरे, कह गिरदर कविराय जुगन याही चली आई, पिता पुत्र के बैर नफा नहीं कौनो पाई। रहिए लटपट काट दिन बरु धामई में होए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे है जा दिन बहे बयारी, टूटी सब जर से चई है, कह गिरधर कविराए छाह मोटो की गई है, पाता सब झर जाए तऊ छाया में रहिए। एक को ये बहुत छोटे सा है, जल्दी से इनको और देख लेते हैं। भगवत रसिक, ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास जी के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ था, अतः इनका रचनाकार संवत 1830 और 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना के संबंध रखने वाले अन्य प्रेम रस पूर्वक बहुत से पद्य, कवित्त, कुंडलियाँ, छप्पे आदि रचे हैं, जिसमें एक ओर तो वैराग्य का भाव है, दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रस पूर्ण था, इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझे सकेगा। ठीक है, ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेगा। ये कृष्ण भक्ति के में लीन एक प्रेम योग के इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे हैं, देख लीजिए। कुंचन ते उठी प्रात गात जमुना में धोवे, निधुवन करी दंडवत बिहारी को मुख जोवे, करे भावना बैठी स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद जगे जब भोजन साधा, संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी करे, वृंदावन बिहरत फिरे जुगल रूप नैनन भरे। हमरो वृंदावन और माया काल तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिरमौर, छूट जाती सत असत वासना मन में दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक खौर। अब आगे की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपके साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।